सोमवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 321 केंद्रों पर 33,443 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 8,847 लोग तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 23,414 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि जनपद में प्रथम डोज 95%, सेकेंड डोज 61% तथा 15 साल से 17 साल के छात्र छात्राओं का डोज 51% टीकाकरण किया जा चुका है और बूस्टर डोज लगभग 60% लोगों को लगाया गया है। उन्होंने बताया कि बूथों पर काफ़ी भीड़ हो रही है और काफ़ी मात्रा में लोग टीका लगवा रहे हैं और जो टीकाकरण करने का लक्ष्य है इस माह के अंदर उसको पूरा करने में हम पूरी तरह सक्षम होंगे। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि कोविड के नियमों का भी पालन करें, जो दस्तक टीमें घर घर जा रही हैं उनका सहयोग करें और जो लोग टीका नहीं लगवाए हैं वह टीका लगाएँ ताकि हम सब कोरोना महामारी से सुरक्षित रह सकें। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि चुनाव में ड्यूटी करने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स जो कर्मचारी हैं उनको 9 महीने की बजाय 3 महीने पर ही बूस्टर डोज लगाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संक्रमण विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर घनश्याम श्रीवास्तव एवं सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा मैं संक्रामक चिकित्सालय से कंप्यूटर ऑपरेटर घनश्याम श्रीवास्तव सर्वप्रथम मेरे इष्ट देवता गोरखपुर के गोरखनाथ बाबा की कृपा से हम लोग जो टीकाकरण का कार्य कमिश्नर साहब, जिलाधिकारी महोदय, सीएमओ साहब, डीआईओ साहब के आदेशानुसार और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेशानुसार यहाँ पर को वैक्सीन टीकाकरण का कार्य 15 साल से ऊपर को लग रहा है। प्रथम डोज, द्वितीय डोज और तृतीय डोज जिन लोगों का 9 महीना पूरा हो गया है वो तृतीय डोज के लिए या बूस्टर डोज के लिए अथराइज हो गए हैं। और आज से नगर निगम के कर्मचारियों को नगर आयुक्त महोदय, नगर स्वास्थ्य अधिकारी महोदय डॉक्टर एन प्रसाद साहब डीआईओ के आदेशानुसार 3 महीना जिन कर्मचारियों का फ्रंटलाइन वर्कर क्या हो चुका है उनको, यानी उनका पूरा 3 महीना पूरा नहीं हुआ है तब भी उनको बूस्टर डोज देते हुए उनके कार्ड पर उनका डेट अंकित कर दिया जा रहा है कि वो आकर के 3 महीने बाद अपना ऑनलाइन करा लेंगे, यानी किसी को वंचित नहीं किया जा रहा है। और सीएमओ साहबान से सबसे ये अनुरोध है कि यहाँ कर्मचारियों में थोड़ा वो है, वेरीफाइड कमी है और जैसे संख्याएं बढ़ रही हैं तो उन लोगों से अनुरोध है कि और वेरीफायर और एनएम की सुविधा दी जाए। क्या कहेंगे सरकार के लिए टीकाकरण करा रही है? ये सबसे बड़ा ये है कि जैसे पोलियो अभियान था, डोर टू डोर चल रहा है, ये तो और महानता की काम है। यानी कोई भी हमारे वो भाई बंधु यानी माताएं बहने सभी लोग छूटेंगे नहीं और कैंप के माध्यम से भी लग रहा है, हर जगह कैंप के माध्यम से लग रहा है। कोविशील्ड का अलग बना हुआ है, कोवैक्सीन का अलग है। संक्रामक में जैसे पहले से चल रहा था आज भी प्रथम द्वितीय ये बूस्टर डोज लग रहा है। क्या करें, जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता से ये है कि अफवाहों पर ध्यान मत दें, अफवाहों पर ध्यान मत न देते हुए अपना टीकाकरण पूर्ण कराएं
और जल्द से जल्द इसको कराना सुनिश्चित करें। आज 392 स्थानों पर टीकाकरण चल रहा है और हमारा टीकाकरण काफ़ी अच्छा है। जैसा कि हम बताएं कि प्रथम खुराक में हम लगभग 95% हो गए हैं, द्वितीय खुराक में हम 61% हो गए हैं और 15 से 17 खुराक में हम 51% लोगों को टीकाकरण कर दिए हैं और हमारी प्रिकॉशन डोज भी जो है लगभग 60% लोगों को लग गई है। टीकाकरण आप लोगों के असीम सहयोग से टीकाकरण स्थल पर काफ़ी भीड़ हो रही, लोग काफ़ी मात्रा में टीका लगवा रहे हैं और हम 100% वैक्सीनेशन कराने का जो हमारा लक्ष्य है इस माह के अंत तक उसे पूरा कर लेंगे। सिर्फ मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो हमारी घर घर टीमें जा रही हैं उनको सहयोग कीजिए। अगर आपके घर में कोई कोविड लक्षण युक्त व्यक्ति है तो इसको आशा के देने के पहले आशा से स्वयं कोविड किट की दवाएं मांग लें। इन दवाओं का नियमित सेवन करें जिससे कि अगर कोई लक्षण युक्त व्यक्ति है तो उसकी वो लक्षण से मुक्त हो सके। कोई लक्षण युक्त व्यक्ति है तो उसकी जो है तत्काल जांच कराइए और अगर आपके घर में कोई गर्भवती माता है जिसको टीके नहीं लगे हैं उसका नाम लिस्ट बताइए। जो बच्चे 2 साल से कम हैं इनको कोविड अभी जो है कोविड की वजह से कोई टीके नहीं लगे उनकी सूचना दीजिए और 60 वर्ष से अगर अधिक के बुजुर्ग हैं जिनको टीका नहीं लगा है उनको टीका लगवाइए। इसके साथ साथ जितने भी लोग हैं जहां तक हो सके सब लोग अपना वैक्सीनेशन कराइए। इसी के साथ साथ सरकार ने एक और स्पष्ट निर्देश दिया है कि चुनाव में ड्यूटी करने वाले जो भी कर्मचारी होंगे वो फ्रंटलाइन वर्कर होंगे और इन फ्रंटलाइन वर्कर्स को 9 महीने के बजाय 3 महीने पर ही प्रिकॉशन डोज लगाई जाएगी। तो अतः जो भी कर्मी चुनाव में ड्यूटी करने वाले हैं और उनकी जो है 31 जनवरी 2022 को 3 माह पूरे हो जा रहे हैं यानी इस जनवरी माह के अंत तक 3 माह पूरे हो जा रहे हैं वो सब लोग अपने निकटतम टीकाकरण केंद्र पर जाकर के अपना प्रिकॉशन डोज या थर्ड डोज वैक्सीन अवश्य लगवा लें।